हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। ये होंडा एक्टिवा है, इसका गियर ऑयल जो है 20,000 किलोमीटर तक आज तक चेंज हुआ नहीं है, तो इसको आज चेंज करेंगे। इसके साथ कैस्ट्रोल का स्कूटर गियर ऑयल और इसका रंग दिखाएंगे कैसा कलर आया है। मुझे लगता है कि इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत काला हो चुका होगा, तो इसको खोल के देखते हैं। इसके लिए 12 नंबर का पाना चाहिए। ऊपर का भी खोल देते हैं। इसका कलर, हाँ देखिए, एकदम काला कलर का आ रहा है और पूरा गर्म है क्योंकि मैं अभी बाहर से आया हूँ। ड्रेन हो रहा है लेकिन नीचे देखिए बहुत सारा नीचे गिर गया, बहुत काला है। इसको मैं कलेक्ट कर लूँगा फिर आपको वीडियो में बताता हूँ। गाड़ी को ऐसे स्टैंड में लगा देंगे, पहले आगे वाला स्टैंड और साइड स्टैंड को भी लगा के ऐसे कर देंगे ताकि इसमें आराम से वो तेल निकल जाए। देखिए अब आराम से निकल रहा है तेल, निकलेगा। जितना टाइम तक आप रखेंगे बाहर उतना ज़्यादा निकलेगा गंदा वाला तेल, तो ये अच्छा है। तो दोस्तों, मैंने इसको ड्रेन को निकाल दिया, जितना ऑयल निकलना था निकल गया। इसके बाद ये नॉट को मैंने टाइट कर दिया। अब ये वाले जो होल है यहाँ से हम लोग डालेंगे तेल, तो इसके लिए इसके ऊपर को काटना पड़ेगा। इसको काट देते हैं। ये हो गया और इसको ऐसे ही डालेंगे अंदर और सिंपली इसको ऐसे ही रख देंगे। जितना तेल निकलना जाना चाहिए वो चला जाएगा, ज़्यादा प्रेस करेंगे तो जल्दी निकलेगा। देखिए ये तेल फूल हो गया, इसीलिए यहाँ से निकल रहा है। इसको लगा देते हैं।